नमस्कार मेरे फेसबुक के सभी साथियों, मेरे भाइयों, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था अभी जो कुछ टाइम पहले हमने एक पोस्ट लिखा कि हम आप लोगों को मिलवाते हैं लखनऊ में सिरोज कैफ़े, और सिरोज कैफ़े की जो खासियत है वो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। मैं इस समय लखनऊ में हूँ, हमारे साथी कुछ जुड़ जाएं, फिर उसके बाद हम अपनी बात को भी कंटिन्यू करेंगे। और एक ऐसी शख्सियत से आप लोगों को आज मिलवाना चाहती हूँ जिनके वजह से आज सिरोज कैफ़े का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे भारत में भी फैलेगा। इसका पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि कॉफ़ी पिलाना है या कुछ खाना खिलाना, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है और ये बात शायद भारत के हर व्यक्ति को जानना ही चाहिए। मेरे जितने भी यहाँ पर भाई जुड़ रहे हैं उन सब से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ये ऐसी बात है, ये ऐसा मुद्दा है, ये ऐसी संवेदनशील बात है जो कि हमारे आपके किसी के घर की बेटी, किसी भी व्यक्ति के भावनाओं से जुड़ा हुआ, उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। तो आप लोगों से मैं अनुरोध अगेन कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे जितने भाई जुड़े हैं शेयर करते जाएं। एक और बात, यहाँ पर मेरे जितने भाई मुझे नमस्ते कर रहे हैं, मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैं उन सभी से कहूँगी, आप लोगों के बीच में टाइम टू टाइम आती रहूँगी, इंडिविजुअली मैं हर किसी को जवाब दूँगी, लेकिन आज बहुत आवश्यक है कि जिस वजह से हम जुड़े वो उद्देश्य हम लोगों का फुलफिल हो। मैं जिनका नाम ले रही थी, जिनका नाम बताना चाह रही हूँ, श्री आलोक दीक्षित सर, जिन्होंने ये लखनऊ में सिरोज कैफ़े बनाया है, उन सर से मैं आप लोगों का परिचय कराना चाहती हूँ। इनसे शायद ही मुझे लगता है कि कोई भी हमारा अगर स्कॉलर है, कोई भी इंटेलिजेंट लोग जो भी हैं पढ़ते हैं और व्यक्तित्व को पढ़ने में भरोसा रखते हैं तो वो ज़रूर आलोक दीक्षित सर को जान रहे होंगे। सर अभी अपने बारे में ये बताएंगे कि इन्होंने ये जो सिरोज कैफ़े है ये क्यों खोला है, किस लिए खोला है, किस लोकेशन में है, ये सारी चीज़। तो सर आपका सबसे पहले हमारे इस फेसबुक पेज पर बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बात मैं फेसबुक के भाइयों से कहना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है मेरे जो फेसबुक पेज बना जिस पे आप लोग जुड़े हुए मिलियंस में आप लोग देखते हो, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरा ये फेसबुक पेज बनाने का उद्देश्य सफल हो गया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आलोक सर बताएंगे इस कैफ़े का उद्देश्य क्या है। सर प्लीज, जैसे कि आपने, मैं जब सीमा जी जब आई थी यहाँ उन्होंने कहा कि बहुत सरप्राइज हो गई वो देख के कि ये ऐसा स्पेस है, मुझे लगा था कि कुछ खाने के लिए हम यहाँ आए हैं। बस यही उद्देश्य है इसका कि बहुत सारी ऐसी रिटैक, एक ऐसा मुद्दा है, एक नई कॉज है, मतलब इस बारे में अभी हम लोगों ने पहले स्टेज की अवेयरनेस क्रिएट की है और साथ साथ अवेयरनेस क्रिएट होने से काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है, लेकिन काफ़ी काम अभी अधूरे हैं जिसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए। तो सिरोज कैफ़े उसी उद्देश्य से शुरू हुआ था कि हम एक कुछ ऐसे स्पेसेस क्रिएट करें जहाँ पे एसिड अटैक की सर्वाइवर्स उस कैंपेन को फ्रंट, मतलब उसकी फ्रंट रनर बने, उस कैंपेन को देखें। जैसे यहाँ पे ये कैफ़े कैंपेन है, यहाँ पे लगभग 20 सर्वाइवर हैं जो जॉब करती हैं और दिन भर बहुत सारे लोगों को वो होस्ट करती हैं। तो जब हम कॉफ़ी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, वो एक रिलैक्सिंग टाइम होता है। शायद ये पहला अपॉर्चुनिटी होती होगी जहाँ पे आप किसी बर्न सर्वाइवर को, किसी डिसफिगरमेंट सर्वाइवर को, किसी एसिड अटैक सर्वाइवर को सामने से देखते हैं आप, क्योंकि मैं देखता हूँ कि समाज में बड़ी झिझक है। दो तरह के लोग हैं, एक वो है जो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं, किसी भी तरह का कमेंट पास करते हैं, एक वो लोग हैं जो बहुत चिंता करते हैं और हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि कैसे आके मिलें, कैसे हम इस अभियान से जुड़ें, कैसे कहीं अगर हम इस लड़की से बात करेंगे उसे बुरा ना लग जाए। अगर आपको इसीलिए आपको यही वजह है कि आपको रोड पे चलते हुए कभी कोई, बहुत सारे लोग डिसफिगर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग एसिड अटैक के शिकार हैं, बहुत सारे लोग बर्न के शिकार, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वो कभी भी सामने नहीं दिखते हैं क्योंकि वो एक झिझक है जो, और वो हम बना देते हैं दोनों लोग, मतलब जो ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं ना वो भी बना देते हैं। मैं उसमें से था, मुझे बहुत डर लगता था किसी से जाके मिलने में, संकोच होता था, और एक ऐसे लोग भी है जो कोई संकोच नहीं करते और किसी भी तरह कमेंट करते हैं। तो सिरोज वो जगह है, सिरोज इसलिए भी, सिरोज एक विरोध है उस विचारधारा का कि जिसमें लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपने यहाँ किसी को जॉब देंगे, किसी एसिड अटैक सर्वाइवर को जॉब देंगे या किसी डिसफिगरमेंट सर्वाइवर को जॉब देंगे तो वो चीज़, मतलब वो जॉब जो है वो, मतलब सामने वाला कहीं ऐसा ना हो, गेस्ट ना आए,
कहीं उसके बिजनेस पर प्रभाव ना पड़े, तो ये उसके विरोध में भी है कि आप देखें कि देखिए मतलब एक शीरोज कैफ़े है जो जिसको पूरी तरह से सर्वाइवर चलाते हैं, और आप यहाँ आके ऐसा अनुभव शायद मतलब इसलिए नहीं कि हम शीरोज से जुड़े हुए हैं, इसलिए कि मैंने देख रहा हूँ पिछले 10 सालों से कि ऐसा अनुभव शायद ही आप कहीं देख पाएंगे। तो बेसिकली शीरोज का ये उद्देश्य है कि लोगों के अंदर सेंसिटाइजेशन लाया जाए, अपराध की मानसिकता को कम किया जाए। शीरोज और इस तरह भी डिज़ाइन किया गया है कि न सिर्फ मतलब अपराध की मानसिकता कम कर रहा है, यहाँ पे हम बहुत तरह के एनजीओस को, बहुत तरह की कॉजेस को होस्ट करते हैं। तो बेसिकली एक आंदोलन है जिसको ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता थी। हम लोग अलग अलग जगहों पे जाके प्रोटेस्ट करते थे, हम लोग अलग अलग जगहों पे जाके विरोध करते थे, लेकिन इसको सतत करने के लिए मतलब इस टीम को, बहुत सारे सर्वाइवर थे जो अपने अपने घरों में अकेले पड़े थे, अपने घरों में ही उनके लिए जेल बन गई थी, उनको वहाँ से निकाल के लाना और यहाँ पे मतलब एक आंदोलन में जोड़ देना। तो बेसिकली शीरोज ये सारे काम कर रहा है। जी जी जी। और सर सर अभी अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे, आप लोगों से मैं एक बात और कह रही हूँ, उन सारी बहादुर बेटियों से हम मिलवाएंगे जिनको बाकी में, जिनके घर उनके लिए कैद बन गए थे एसिड अटैक होने के बाद, उनकी बॉडी बर्न होने के बाद, और सर ने उनको यहाँ पर करीब 20 बेटियों को एम्प्लॉयमेंट दिया, और आज वो बेटियाँ हमारे साथ हैं, वो लोग भी अपनी बात रखेंगे। और सर को तो मैं लाखों बार सैल्यूट करती हूँ, और आप लोगों से भी कहेंगे कि सीमा दीदी को नहीं, आज आपका दिन है, आलोक सर के लिए आप लिखिए हमारे पेज पर, इनको सपोर्ट करिए, इनको नमस्कार करिए, इनकी जय बोलिए, क्योंकि इनके जैसे लोगों की हमारे समाज को बहुत आवश्यकता है। और मैं ये भी देख रही हूँ, मेरे भाई जितने फेसबुक पे जुड़े, सर एक खासियत बताती हूँ, हमारे इस पेज पर जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, ये लोग इतने अच्छे लोग हैं कि ये एक भाई हमारा कम से कम 1000 की आवाज़ बनता है। तो मैं उन सभी से अनुरोध करूँगी, सीमा दीदी नहीं, आलोक सर, और इस रोज को आज आपको आगे ले जाना है। बाकी सर आप अपनी बात अगर और भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि बाकी जैसे रितु है, यहाँ पे मौसमी है, यहाँ पे कुंती है, जया है, इन सबसे इनके अनुभव लें कि शीरोज, बल आपने पूछा कि शीरोज क्यों है, तो शीरोज इसलिए बनाया गया क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। क्योंकि एक तो बहुत बड़ी मुश्किल है सर्वाइवर्स के साथ कि वो अपनी सारी लड़ाइयों से मतलब जब लड़ लेते हैं, जब वो ट्रीटमेंट करा लेते हैं, थोड़ा नॉर्मल हो लेते हैं, तो वो जब लौटना चाहते हैं समाज में, तो वो समाज किसी तरह से मतलब अननोइंगली, मतलब समाज बहुत अच्छा है जैसे आपने कहा, बहुत सारे लोग, लेकिन कई बार वही दोनों तरह के लोग समाज में मतलब थोड़ा सा एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि यहाँ पे लोगों को काम नहीं मिलता, लोग खुद से कुछ बदलना चाहें तो नहीं बदल पाते। तो वो अनुभव अगर आप सीधे तौर पर पूछें और देखें कि क्या बदला, मैं तो, अब मेरे लिए तो एक पूरी स्टोरीज़ है, मैं तो सबको 5-5, 8-8 साल से देख रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि कैसे जो लोग अपने घरों में मतलब अपने ही घरों में मार्जिनलाइज कर दिए गए थे, अपने ही वो आज अपने घरों के लीडर हैं, मतलब अपने घर को रन करते हैं, अपने आसपास को देख रहे हैं, कई लोग अपने परिवारों को देख रहे हैं। मैं कुंती को देखता हूँ, एक बड़ा परिवार संभालती है कुंती, ये कुंती, अच्छा कुंती देखिए, जया है, जया भी मतलब जया की भी फैमिली बहुत ही ब्रोकन फैमिली है, उनमें जया ने मतलब काफ़ी कुछ अपने अपने फैमिली को सपोर्ट किया है। फराह को मैं देखता हूँ, मतलब पूरे भाइयों को सपोर्ट करना, अपने घर में सपोर्ट करना, मतलब ये लोग की अपनी पर्सनैलिटी हमने बनते हुए देखी, मतलब मैंने देखा कि मार्जिनलाइज कभी थे पर आज तो सबके सब लोग मतलब एक एक आवाज़ है, मतलब अपने घरों में भी एक मतलब गर्व की बात भी है, मतलब बहुत लोग अपनी बेटियों पे गर्व कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बदल के देखा है। तो मतलब मैं चाहूँगा आप उन लोगों से बात करें। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पेज पर जितने भाई जुड़े हुए हैं, जितनी बहनें हमारे, जितने फेसबुक के साथियों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हमारे थोड़े से अगर किसी बॉडी के पार्ट में, मेरे हाथ में, मेरे पैर में जरा सा भी अगर बर्न होता है, जरा सी कोई चीज़ चुभ जाती है, तो हमारे मुंह से आह निकलती है, हम परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में हो जाते हैं। लेकिन हमारे अपने भारत की हमारी ये बेटियाँ, जिसको मैं एक बार इन सभी लोगों को दिखाऊंगी, फिर ये सारी बेटियाँ अपनी हर बात बताएंगी, ये मेरे लिए जितना मैं महसूस कर पाई इस कैफ़े में आकर के, ये मुझे विक्टिम नहीं समझ में आई, ये मुझे बहादुर सर्वाइवर वो बेटियां समझ में आईं जो आज सिर्फ अपना ही जीविकोपार्जन नहीं कर रही हैं, अपने घर को लीड कर रही हैं, इस समाज को मैसेज दे रही हैं कि जिन्होंने इनके हौसले परस्त करने की कोशिश की, इन बेटियों ने ये प्रूव किया कि हमने उनके हौसले परस्त कर दिए हैं। ये हैं रूपाली, राइट? हेलो रूपाली, आप हाय बोलिए। हाय। अभी सब लोग अपनी अपनी बात बताएंगे, आपका परिचय? मौसमी। एंड अंशु, अंशु के बारे में मैं बताती हूँ, जितना भी फेसबुक पे लोग हैं, अंशु से मैं बहुत पहले से जुड़ी थी, अंशु और हमारी जो बॉन्डिंग थी फेसबुक पे, इनके हर फोटो को लाइक करती थी, और आज मुझे अच्छा लगा कि सडनली मैं इस कैफ़े में आई,
मैं शॉक्ड हो गई। और यहाँ पर देखिए, मेरा काम कुछ और करने लखनऊ में आई थी, लेकिन मुझे लगता है इससे बड़ा मेरे लिए कुछ अच्छा काम नहीं हो सकता था। तो ये अंशु है, अंशु भी अभी तो मेरा सौभाग्य है कि मतलब मुझे सरप्राइज मिला आज। तो देखिए, अंशु भी अभी बात बताएंगे। आपका नाम बेटा? नगमा। हेलो, सॉरी, नगमा। नगमा, कोई नहीं। आपका? गरिमा। गरिमा, एंड ये देखिए, ये है हमारी रितु, राइट? देखिए, मैं नाम से भी इन लोगों को जानती हूँ, क्योंकि ये मैं बाकी में मेरी फीलिंग्स थी, भावनाएं थी कि आप लोगों से मिलूं। और आज ये मैं किस्मत वाली हूँ कि इस मैंने इस पवित्र स्थल पे कदम रखा है। तो ये मेरे भाई हैं, आप अपना नाम बताइए। रिंकू मिश्रा जी। रिंकू मिश्रा। रिंकू मिश्रा, देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सर ने, जितना मुझे आलोक सर ने बताया कि मैम रेशियो जो है वो 50-50 का है। सिर्फ हमारी बेटियों के ऊपर एसिड नहीं फेंके जा रहे, बेटों के ऊपर भी फेंके जा रहे। तो ये जो है एसिड जो लोग फेंक रहे हैं, ये एक बुराई है समाज में। और बुराई जो ये है किस तरीके की है, किसी बेटी ने किसी को शादी करने से मना कर दिया, किसी ने किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, या किसी के घर में आपस में कभी लड़ाई हुई तो उन्होंने भी बेटी से बदला लेने का अपना टारगेट कर लिया, बेटियों को टारगेट कर लिया। लेकिन एक बार उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ एक बेटी पर एसिड नहीं फेंक रहे, उसको ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की, उसकी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे लोगों की जो मानसिकता है, वो मानसिकता, मैं कहना चाहती हूँ जितने भी हमारे लोग अभी सुनेंगे, और मुझे पता है ये मिलियंस में हमारे भाई देखने वाले हैं, वो एक ही मैसेज दें कि इन बेटियों के साथ जो अपराध हुआ, जो अपराधी हैं उनके हौसले परस्त होंगे। इन बेटियों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये बेटियां खुद बताएंगी, और उन सारी चीज़ों पे मैं भी बात करूंगी। तो मैं कहूंगी कि आप रितु एक बार आगे आएं, और बेटा आप अपनी बात बताएं कि किस तरीके से आपके साथ जब ये क्राइम हुआ, उस आपने क्या क्या फेस किया, और आज आप कैसे कैसे करके इन चीज़ों से, इन चीज़ों को हैंडल कर रही हैं, और अपने आप को आज पूरे देश के सामने ये मैसेज अपने माध्यम से देना चाह रही हैं कि हम लोगों का लाइफ जो है एसिड अटैक होने के बाद किस तरीके का है। जी, मैं 17 इयर्स की थी जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, और मेरे कज़न ब्रदर ने मेरे ऊपर एसिड डलवाया था किसी से 1,25,000 रुपीज़ दे के, और वो मेरे को लाइक करता था, और मेरे से 22 साल बड़ा था वो। उसने मेरे ऊपर एसिड अटैक करवाया, और उस टाइम पे मैं खेलती थी, और पूरी फैमिली को, सबको पता होता है कि कितने टाइम खेलने जाते हैं या कहाँ रहते हैं, तो 4-4:30 के बीच में ही मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। तो उसके बाद मतलब वही है ना कि पहले, सबसे पहले हम फेस करते तो सोसाइटी को ही करते हैं, तो उन्होंने कभी मेरी मदद नहीं की। मतलब मैंने देखा कि मेरे ही घर के आसपास के लोग हैं, और मैं रोड के ऊपर पड़ी हूँ, चिल्ला रही हूँ बचाओ बचाओ, पर कोई भी मेरे सामने नहीं आया मुझे हेल्प करने के लिए। और लास्ट में मेरा भाई था जिसने मुझे सपोर्ट किया और मुझे हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद मेरा कंटिन्यू ट्रीटमेंट चला। और रितु, आपने ट्रीटमेंट की बात कही, मैं बेटा आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि सर से भी मेरा डिस्कशन हुआ, सर जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं सर ने भी बताया, और आप भी बेटा बताओ, क्योंकि आप तो इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो और सर आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, आलोक सर, कि जब ये अटैक हो जाता है उसके बाद ये ट्रीटमेंट जो है ये कितना महंगा है, और किस तरीके से आप लोग अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाती हैं। तो वो बात बेटा बताओ, आपकी कितनी सिटिंग की ज़रूरत होती है, किस तरीके से आप लोग सफ़र करते हो, संघर्ष करते हो। मैं चाहती हूँ रितु कि आज हमारा पूरा देश सुने कि हमारे देश का ये हिस्सा, मेरी बेटियाँ जो कि आज बहादुरी से अपने को स्ट्रॉन्ग करके खड़ी हैं, वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में कितना संघर्ष कर रही हैं। ट्रीटमेंट की बात आती है तो जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल होता है उस टाइम पे हम वहीं पे जा पाते हैं, और हम सब लोग, मतलब ऐसा ही है कि मिडिल क्लास फैमिली से सब लोग बिलोंग करते हैं, और इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट है ना, वो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत अच्छा है। मेरे दो ऑपरेशन, मतलब एक महीने तक मैं मतलब हॉस्पिटल में जब थी, तो एक महीने तक मेरे जो बर्न था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, और मैं 10 दिन तक आईसीयू में थी, तो नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है। एक महीने के बाद जब मेरा थाई से स्किन लेके ड्राफ्ट किया स्किन पे, फेस पे, तो वो रिजेक्ट हो गया।
मतलब वो एडेप्ट ही नहीं किया मतलब फेस पे, तो मतलब ऑपरेशन अच्छे से ना होना, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सरकार गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने ये देखा है कि मैं 2 मंथ्स तक हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसके बीच मेरा एक आई का ऑपरेशन हुआ और मेरे फेस का हुआ, और उसी बीच मैंने मेरी लेफ्ट आई को खो दिया। मैं अभी लेफ्ट आई से नहीं देख पाऊंगी लाइफ टाइम, मेरी आर्टिफिशियल आई है वो। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने जो ट्रीटमेंट कराए वो दोनों ही ऑपरेशन मेरे सक्सेसफुल नहीं रहे। उसके बाद मुझे हरियाणा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया, तो वहाँ पे मेरे और 13 ऑपरेशन हुए। तो वो एक भी ऑपरेशन ऐसा नहीं रहा कि वो सक्सेसफुल ना हुआ हो, पर जो स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट था उसमें 4-5 लाख रुपए लगे, तो वो मेरे पेरेंट्स ने लगाए और उसके बाद अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करा पाते। तो हमने गवर्नमेंट को अपील किया तो उन्होंने मेरा पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने के लिए उठाया। बट मैं देखती हूँ मेरे साथ जितनी भी मेरी दोस्त काम करती है, या हम इस वाले कैफ़े में 15 लोग हैं और 15 लोग आगरा वाले कैफ़े में, और 100 सर्वाइवर से हम कनेक्टेड हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट मतलब कितना मुश्किल होता है कराने के लिए। एक एक ऑपरेशन में 1.5-2 लाख रुपए लग जाते हैं, और वो ट्रीटमेंट कितने लंबे समय तक चलता है और वो कितना पेनफुल होता है, तो उसको शब्दों में बयां करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो और छा फाउंडेशन जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनके ट्रीटमेंट पे, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, जॉब के लिए, तो वो सब अलोक भाई और क्या होता है कि एक तो ट्रीटमेंट महंगे हैं, दूसरा हर एक शहर में मैं अवेलेबल भी नहीं है। जैसे बिहार में बिहार से सर्वाइवर बेचारा 2,000-2,500 किलोमीटर की दूरी तय करके जाता है, वहाँ क्या बोलते हैं चेन्नई, कई बार चेन्नई जाता है। जैसे आपकी बात करें उस दिन बता रहे थे 2,500 किलोमीटर का ट्रेवल करके, रिंकू भाई है उड़ीसा से हैं, उड़ीसा में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं अवेलेबल है, तो ये वहाँ से इलाज के लिए मतलब वहाँ चेन्नई जाते हैं आँखों के इलाज के लिए, और रेगुलर फॉलोअप है, बल्कि मतलब बहुत कठिन है। मतलब बिहार के ज़्यादातर लोग दिल्ली आना पड़ता है क्योंकि उनके पास बिहार में PMCH एक हॉस्पिटल है जो जिसकी भी हालत बहुत ख़राब है। ऐसे ही मतलब जैसे आसाम से सर्वाइवर है उनके पास वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। यूपी में कुछ हद तक कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो थोड़े बेहतर हैं, तो मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति इस तरह से भी है कि एक तो ट्रीटमेंट महंगे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कुछ लड़कियों को जानता हूं जिनको हम लोग अब तक निकाल के नहीं ला पाए। एक लड़की है बिहार की, उसकी दोनों आंखें नहीं हैं अभी, तो जब उसके घर वालों को पता चला कि दोनों आंखें नहीं है तो उन्होंने इलाज कराना बंद करा दिया, लेकिन वो दोनों आंखों से ऐसे बहा करती हैं आंखें वो, और अब चेहरा पूरा वो है, लेकिन चूंकि उनके लिए मुश्किल है कि उनकी फैमिली कहाँ से लेके मतलब उनको लेके कैसे रहे, महीनों महीनों क्या सालों रहना पड़ेगा आपको, एक फैमिली मेंबर को अपना कम से कम साल भर के लिए कहीं रहना पड़ेगा, तब उसके ट्रीटमेंट हो पाएंगे। तब उसके आँखों के लिए आपको दिल्ली तक में स्पेशल व्यवस्था नहीं है, आपको साउथ जाना पड़ता है, हैदराबाद या चेन्नई जाइए, तो इतना लंबा स्ट्रगल भी है। मतलब एक तो पैसा नहीं है, सरकार को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देना है, 2013 में ऑर्डर आया, 2015 में ऑर्डर आया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है तब से अब तक। तो ये एक अजीब बात भी है, मतलब आप वकील हैं इसलिए मैं आपको ये बात जरूर बता रहा हूँ कि मतलब ये अजीब बात है कि कोर्ट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, सामने साफ साफ कोर्ट के ऑर्डर है, फिर भी कोई सिस्टम नहीं बना है, और इतने महंगे इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ इतना ही नहीं करना है कि इलाज लाना है, उसके लिए भी कि इलाज के साथ साथ भी कुछ करना है। मतलब इलाज तो एक पार्ट हो गया, इलाज अफोर्ड कर ले इसके लिए कुछ सेंटर्स बनाने होंगे, कहीं रखना होगा। मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति, आपको बताऊं, छोड़ दिया गया है। लॉकडाउन था तो ऐसी अटैक सर्वाइवर्स के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई गई, सबको छोड़ दिया गया। हम लोगों ने यहाँ राशन जुटा जुटा के दिया है कुछ कुछ लोगों को, तो कोई योजना नहीं है मतलब सर्वाइवर को लेकर कि उनकी हेल्प के लिए कोई योजना अगर ऐसी बन रही हो तो। इस तरह से है मतलब कि पूरा अभी भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक ऐसे कहें कि मतलब कैंपेन जरूर बनाया है, लेकिन शायद मेन स्ट्रीम के दिमाग से उतर जाती है बात। जैसे जब कभी कोई आफत हो, कहते हैं जब आपदा होती है तो पहले ध्यान उनका दिया जाता है जो मुश्किल में है, है ना, ये एक अच्छे समाज की पहचान है। लेकिन जैसे लॉकडाउन था उस दौरान लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, शीरोज कैफे भी नहीं चल रहे थे ठीक से, है ना, इलाज नहीं हो पा रहे हैं। अब किसी को कुछ लोग ट्रीटमेंट से, टूना जी हैं हमारी टीम मेंबर, उनकी उनकी आँख नहीं बच पाई, दोनों आँख, वो ब्लाइंडनेस से बच सकती थी, एक आँख में रोशनी आ सकती थी, लेकिन वो जा ही नहीं पाई, उनको उनको अपॉइंटमेंट मिले थे डॉक्टर्स, वो पहुँच ही नहीं पाते थे। तो ढेर सारी दिक्कत है मतलब ट्रीटमेंट को लेकर। जब आप पूछे तो सिर्फ इतना ही नहीं कि पैसे नहीं है, पैसे तो एक छोटा पहलू है, शायद पैसे से ज़्यादा बहुत कठिन है ट्रीटमेंट। शायद हम व्यवस्थाओं की तरफ जब ध्यान जाता है तो देखते हैं कि हमारी कॉस्ट तो बहुत छोटी है, सर्वाइवर्स तो बहुत कम संख्या में, लेकिन कितना मुश्किल है कि हमको तो चाहिए कि हर एक स्टेट में, हर एक जगहों पे, मतलब शहर शहर में इलाज हो, लेकिन वो तो संभव ही नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि मतलब बहुत चैलेंजिंग है, मतलब बहुत लोग इलाज नहीं कराते हैं, इलाज करना करवाना छोड़ देते हैं जैसी परिस्थिति में होते हैं, से कई लोग हाथ मुड़ जाते हैं,
मेरे ख्याल से यहाँ भी एक आध लोग होंगे जिन्होंने अपना इलाज नहीं कराया, आपका इलाज नहीं हो रहा है तो किसी गर्दन है मुड़ गई तो वो वैसे ही रह जाएगी, हाथ मुड़ गए डिसेबिलिटी आ जाती है बहुत, चूंकि अधिकतर एसिड अटैक चेहरे पे होते हैं तो टारगेट चेहरा होता था, इसलिए आंखें बहुत सारे केसेस में। अब ज़्यादातर लोग देखिए फरा की एक आंख पूरी तरह नहीं है, दूसरी आंख में इतनी कम रोशनी है कि फ्यूचर में ब्लाइंडनेस देखना होगा इन्हें, ठीक है। यही हाल मतलब ऋतु का है, एक आंख पूरी तरह से खत्म है। अब और किसी का देखिए रूपाली है कि इनका ब्लाइंडनेस इस लेवल का है कि मतलब कुछ समय बाद ब्लाइंडनेस की समस्या उनको, क्योंकि दोनों आंखों में मिला के मुश्किल से 10-15% रोशनी है उनके पास। अगर मैं कहूँ जैसे सर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी 2013 में आया 17 में आया, और मैं भी इस प्रोफेशन की अगर बात करूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं देखती हूँ हमारे देश के अंदर कानून है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है इम्प्लीमेंटेशन की, इन्फोर्समेंट की। अगर इन्फोर्समेंट हो जाए, हमारी सरकारें हैं पूरे देश की मैं बात कर रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के हर स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, हमारी अगर इन बेटियों को टाइम पर इलाज मिल जाए, इनका जितना इलाज होना है, क्योंकि ये एक बार में सर्जरी होने से इनका रिकवरी नहीं होता है, जो इनको प्रॉब्लम होती है 20-25 इवन की सर मुझे लगता है किसी की 50 सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। कल्पना करिए हमारे समाज के जो लोग हैं जिनकी ये ऐसी मानसिकता है कि उन बेटियों को ये लोग डिस्ट्रॉय मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाते हैं, भावनात्मक रूप से पीड़ा पहुंचाते हैं और शारीरिक रूप से तो पहुंचाते ही हैं, लेकिन ऐसे अपराधी जिनको सर ने अभी मुझे बताया कि मैम जितने भी यहाँ पर हमारी बेटियाँ हैं इन सबके ऊपर जिन्होंने एसिड फेंका उनके मुकदमे पेंडिंग हैं, शायद ही किसी बेटी के अपराधी को सजा दी गई हो। ये हमारी बिटिया देखिए, यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये जो दर्द है, जो आंसू इनके निकल रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं निकल रहे, ये हमारे देश के हमारे हम सब की बुराई है। ऐसे लोग हमारे बीच में पनप रहे हैं और ऐसे लोगों को हम पनपने देते हैं, और जब हमारी ऐसी बेटियाँ जो हैं जिनके आँखों से आज आंसू निकल रहे, सर ने अभी बताया कि उनको उनकी आंख जो है फ्यूचर में वो नहीं देख पाएंगी, ये दर्द जो है ना ये पूरे भारत को सुनना चाहिए, हमारी सरकारों को सुनना चाहिए। ना इन बेटियों के लिए किसी रोजगार की व्यवस्था है, सर ने बताया अभी कि जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है समाज के अंदर, उसको अगर हम देखते लॉकडाउन के टाइम इन बेटियों के आगे क्या समस्या रही होगी, इस दर्द को कोई महसूस नहीं करता। लेकिन मैं आज इतनी बात कह रही हूँ कि ये बेटियाँ दिन भर यहाँ पर सर्विस देती हैं, सिरोज सर ने जैसे बताया, ये सिरोज जो है ये सिर्फ यहाँ पर एक रेस्टोरेंट या कैफ़े नहीं है, ये एक फाइट है उन लोगों के खिलाफ जो ऐसे जीते जागते इंसान की लाइफ को इतना ख़राब करने की कोशिश करते, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते। ऐसे अपराधियों के हौसले उसी दिन परस्त हो जाएंगे जिस दिन इस समाज ने इस हमारी हर बेटी को सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, उसका ट्रीटमेंट कराना हमारी सरकारों ने सीख लिया। और रिजर्वेशन जो है हर सरकार को, चाहे हमारी किसी भी राज्य की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम इतना तो अपनी इन बेटियों के लिए कर सकते हैं कि इनको 100% रिजर्वेशन दें। एक भी विक्टिम बेटी है उसको हम सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दें। सर ने एक और बात बताई, ये ऋतु है 17 साल की उम्र थी अभी जो है, जो कि हाँ 17 साल की उम्र, जिस बच्ची की पढ़ने की उम्र है उस वो बच्ची हॉस्पिटल में अपने जिंदगी मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि अगर इनके कभी गला जो है वो पूरी तरीके से चोक हो जाता है एसिड के वजह से, जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं अगर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले। एक मुंबई में घटना हुई थी रेलवे स्टेशन पे, मुझे याद है वो बेटी 24 घंटे के अंदर डेथ कर गई थी। तो ये हमारी बेटियाँ जिनकी पढ़ने की उम्र है, जिनकी ज़िंदगी बहुत बेटर हो सकती थी, वो बेटियाँ अपने जीवन को इस तरीके से हम सब देख रहे हैं, सर्वाइव कर रही हैं। इनके रिहैबिलिटेशन की बात करें, परिवारों में कैद होकर के रखती है, बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे, जितना हमारा समाज का स्ट्रक्चर है सर मैं समझ पा रही हूँ, कि घर में बेटियों को ही कहा जाता होगा चुन्नी डाल के निकलो या तो तुम घर के अंदर कैद रहो, रिश्तेदारी में नहीं लेकर के जाएंगे क्योंकि ये बुराई है। ऐसी बेटियों की जगह कहाँ है? ऐसी बेटियों की जगह इस समाज में हम लोगों को बनानी है। और इन बेटियों को सर जो घर की चार दीवारी से निकाल के सिरोज जैसे कॉन्सेप्ट में लेकर के आए हैं, यहाँ पर नौकरी दी है, ये बेटी हर यहाँ पर एक बेटी इंटेलिजेंट है, ऋतु को आपने सुना,
बहुत इंटेलिजेंट है, तेज है, तर्रार हैं, लेकिन इनकी लाइफ आगे क्या, ये सवाल हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा है। तो मेरी जितनी भी सरकारें हैं, मैं भले ही एक पॉलिटिकल पार्टी मैंने रिसेंटली ज्वाइन की, लेकिन मेरा जो मुद्दा है, जो मैं काम करती हूँ, मैं देश की 49% महिलाओं की आबादी के लिए करती हूँ। तो मेरा सभी से अनुरोध है, जितने मेरे भाई हैं, इस मुद्दे को बहुत बड़े लेवल पर ले जाएं, सरोज को सपोर्ट करें, जो छाँव सर का एनजीओ है उस एनजीओ को सपोर्ट करें। और हर राज्य का युवा हमारे फेसबुक पेज पे जुड़ा हुआ है, कम से कम ये मुद्दा बनाए कि उस हर राज्य में एक इस तरीके से मेडिकल हॉस्पिटल हो कि बिहार की किसी बेटी को, किसी बेटे को एम्स जाने के लिए ना भटकना पड़े, और जब तक वहाँ जाते हैं तो तब तक शायद जो इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तब तक वहाँ कभी किसी की आँख की रोशनी चली जाती है, किसी की डेथ हो जाती है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात सर ने बताई, एक तो एम्प्लॉयमेंट का इशू हो गया कि प्रॉपर रिजर्वेशन हो, हॉस्पिटल प्रॉपर बने, इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो, और समाज में एक्सेप्टेंस ऐसी हो कि जब किसी बेटी के साथ क्राइम हो तो पूरा एकजुट होकर के समाज खड़ा हो, वो सज़ा जो है कोर्ट कचहरी जो बाद में देगा अपराधियों को, उस अपराधी का पूरी तरीके से सोशल बायकॉट होना चाहिए, तो शायद किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। एक और बात सर ने कही, एसिड सेल पर पब्लिक तरीके से उस पर बैन लगा था, लेकिन अभी भी बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं जो एसिड को खुलेआम बेच रही हैं, उन पर बैन नहीं लगा। और वो लड़के जो हैं, जिनको कहेंगे, जिनको समाज, देश से, इंसान से कोई मतलब नहीं, वो खरीद करके किसी की भी लाइफ को ख़राब करते हैं, तो एसिड बैन भी पूरी तरीके से होना चाहिए। बाकी मैं कहूँगी कि सर और कोई बात है तो आप नहीं, मैं एक बात जरूर, कभी कभी भी कोई कहानी ना, मतलब मुझे लगता है कहानियाँ भी लिखनी चाहिए तो उनमें एक सुखद एंड जरूर हो रहा है। मतलब भले ही, मतलब इस कहानी, इस पूरी कहानी में अगर इसका एंड ऐसा ही हो, अगर ये लाइव ऐसा ही एंड हो जाए कि इतनी प्रॉब्लम है, इतना ये है, तो मुझे लगता है कि जो अटैकर है ना, उनके हौसले बढ़ जाएंगे, जो कि हम कभी नहीं चाहते कि किसी एक लाइव को देख के किसी का हौसला बढ़े। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समाज है, मतलब पूरा समाज, समाज में अभी भी अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से समाज बचा हुआ है। और एक मैसेज समाज को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जो अटैकर है, जो क्रिमिनल है, वो आपके ही भरोसे पे ये काम कर रहा है। बिल्कुल, उसने कोई और अपराध करना नहीं चुना, उसने जान लेना नहीं चुना है, उसने चुना था अपराध करना कि हम इस लड़की का चेहरा बिगाड़ देंगे, ताकि क्या होगा उसको पता था कि बाकी, मतलब कि उसकी शादी नहीं होगी, या उसको लोग रोजगार नहीं देंगे, या उसके ऊपर मतलब उसको ही दोष देंगे। तो ये काम हम अनजाने में कर रहे होते हैं, मतलब आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा जो सुन रहे हैं मेरे ख्याल से, कि आप इसका एक कारक बन रहे हैं, मतलब आप एक रीज़न बन रहे हैं कि ये एक अटैकर को हिम्मत मिल रही है कि अब अटैक कर दे। दूसरा जो आपने कहा कि समाज में, मतलब जब तक पूरा समाज से रिएक्शन आना चाहिए, मतलब एक ऐसी अटैक हो तो इतने लोग खड़े हो जाएं उसके सपोर्ट में कि अटैकर को एक बार को, मतलब जैसे अभी आपको उदाहरण दूं कि रितु से मेरी कभी बात होती, काफ़ी इनके अटैकर को काफ़ी दुख होता होगा कि उसने ऐसी अटैक क्यों कर दिया, क्योंकि रितु को छेड़ दिया उन्होंने, या किसी की, मैं फरा की बात करूँ, या मैं किसी की बात करूँ, यहाँ पर उनके अटैकर, मतलब उनके अटैकर को क्यों, क्योंकि हमें उनका पर्पज़ डिफीट करना है। अटैकर ने जो सोचा था, जो कुछ भी सोचा था, उसने सोचा था कि इसको हम ख़राब कर देंगे, या ये लड़की इसके इसको कोई शादी नहीं करेगा, या इससे कोई, मतलब इसका कोई सामाजिक वो नहीं रह जाएगा, सरोकार नहीं रह जाएगा। उल्टा हुआ, ऐसे तो रितु बताती है कई बार कि इनकी बड़ी बहन की शादी हो गई, शायद इनकी भी शादी हो जाती, परिवार होता, लेकिन इन्होंने क्या किया कि पूरे देश भर में एक कैंपेन छेड़ा ना, एक पूरे देश भर में उस, और इन्होंने अपने अपना अपनी अपनी नज़रिया, मतलब अपना जो अपना ऑरा था बदल दिया। आज रितु को क्या अटैकर इनको देखता होगा तो वो खुद नहीं समझ पाता कोई क्या क्या काम करती हैं। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब इस बात में भी एक वो बात है कि अगर हम पूरी कम्युनिटी एक साथ जुड़ जाएं, देखिए, तो ये मुश्किल नहीं है। मतलब एक सर आप ही की बात को मैं आगे कहूँगी कि जो रितु का या जिन बेटियों का अटैकर है, आज वो फ्रंट पर आके ये नहीं कह सकता कि हमने ये काम बहादुरी का किया, लेकिन आज ये बेटियाँ पूरी दुनिया देश के सामने आकर के कह रही कि हाँ, तुमने हमारे हौसले परस्त करने की कोशिश की और हमने तुम्हें ये चैलेंज किया। कहावत है ना कि चेहरा बिगाड़ दिया, हौसले नहीं। तो और दूसरी बात सर कहूँगी कि मैं आपका अगेन शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये हौसले आपने इन बेटियों को दिए, इन बिल्ड सबके अंदर होता है। हमें हौसले दिए आपको, मैं बताऊँ ये बहुत ही 22 वर्षा है सर, रियली नहीं, मुझे भी लाइफ में एक उद्देश्य मिला, आपको समझाता हूँ कि मतलब वाकई इतना कुछ हम लोग एक साथ नहीं कर सकते। हमने बहुत छोटी बात सोची थी कि सबको कम्युनिटी दें,
जैसे कि हम सब लोग, जैसे सभी लड़कियों ने महसूस किया, शायद आप लोग एग्री भी करते होंगे, कि अकेले अकेले जब पढ़े थे ना तो लगता था कि ये मेरा कोई निजी अपराध है, मतलब मैंने कोई गलती कर दी है। जब सबनों ने हमको बताया कि जब एक साथ आए या कई लोगों को देखा तो महसूस हुआ कि नहीं, ये तो एक सामाजिक अपराध है जो सबके साथ हो रहा है। पहले मुझे लगता था कि ये मेरी कोई गलती है जो मुझसे हो गया है, तो वो मतलब वही है कि मतलब मैंने तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब लोगों ने मुझे भी एक दिशा दी है, एक मतलब एक छोटी सी शुरुआत जरूर की थी, पर संभव ही नहीं है। एक सीरोज पूरा कैफे सारी लड़कियां मिलके चलाती हैं, हम तो इसको महीनों में विजिट करते हैं, तो मेरा मतलब है कि ये पूरी मुहिम वो खुद ही लीड करती हैं, और उन्होंने मुझे भी वाकई ज़िंदगी में कुछ देखने का नज़रिया दिया है, हमें ये भी समझाया है। हमें एक बहुत अच्छी बात समझ में आई है शायद, कि मुझे लगता है कि आपको लगता होगा ये सब लोग बहुत खास हैं, क्योंकि मैं इनके साथ रहता हूँ, मैं इनके मुंह पे कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग खास हैं, मुझे लगता है कि हम सब इंसान खास हैं। मतलब हमारे अंदर एक इंसानियत की खास बात है कि वो सरवाइव करता है, लास्ट तक लड़ना चाहता है इंसान, बस एक उसको अकेला नहीं पड़ना चाहिए, अकेले अकेले पड़ जाने पर इंसान टूट जाता है। बाकी हम सब, मतलब कई बार मैं इमेजिन करता था कि मुझ पर अगर ऐसी कोई, मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो मैं कैसे टैकल करूँगा, मैं इनके साथ रह के सीख पाया हूँ कि मैं हैंडल कर लूँगा, बस मुझे अकेला मत छोड़ना। तो इंटरेस्टिंग बात है, मतलब मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला है, और इस मतलब वही कह रहे लाइव एंड हो तो ये समझ में आएगी, वो जो क्रिमिनल है वो सब काम करता है, वो आसानी से ज़िंदगी नहीं जीता है। ऐसी बात नहीं कि क्रिमिनल, मतलब इतना ख़राब सिस्टम भी नहीं है, अभी भी क्रिमिनल्स को जेल होती है, पुलिस पीछे पड़ती है, उनकी भी लाइफ ख़राब होती है, लेकिन ये जो मानसिकता है ना, मतलब वो मानसिकता शायद उस क्रिमिनल को सोचने का वक्त नहीं देती है। अगर हम सब लोग थोड़ा सा ना अपना रिएक्शन बदल दें, हम सब लोग जो देख रहे हैं, मतलब वो रिएक्शन थोड़ा बदल दें, कि हर बार कोई ऐसी अटैक, किसी के साथ कुछ बुरा हो तो हम ज़्यादा लोग एक साथ खड़े हो जाए, तो अचानक से मतलब पूरी स्टोरी बदल जाएगी। ये दुखद स्टोरी की तरह नहीं एंड होगा, ये सुखद स्टोरी भी है कुछ हद तक। देखिए भी कुछ बदल ही गया है ना उसके बाद, मतलब अटैक होने के बाद कुछ चेंज ही हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, इतने सारे लोग हमको देख रहे हैं लगातार, सभी को इधर भी दिखाइए, ये सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे, ये सभी लोग एक्साइटेड थे, इधर भी ऋतु, यहाँ पर सभी लोग, कि आज देखिए मैं मतलब इन सारी बेटियों से मिल रही हूँ जिनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की लोगों ने, लेकिन हौसले इनके इतने बुलंद हैं, इवन कि इसको कैफे को भी बंद कराने की कोशिश की गई थी। फेसबुक मैंने कैंपेन देखा तो मैंने भी जितना हो सका माध्यम से फेसबुक से सपोर्ट किया। ये अंशु है, और अंशु फेसबुक पेज से मुझसे जुड़ी हुई थी, मैं देखती उनकी पॉजिटिविटी देख करके, जब मुझे थोड़ी सी तकलीफ कोई होती थी तो मैं सोचती थी कि मेरी ये बिटिया बहादुर कितनी पॉजिटिविटी के साथ फेसबुक पर है, तो सीमा की तो कोई समस्या होगी ही नहीं। तो ये जो कैफ़े है सिरोज, बाकी मैं इसके पूरे कैंपस में एक बार गुड़िया दिखाइए पूरा, आप ऋतु इसको ऐसे करके दिखा दीजिए, घुमा के दिखा दीजिए, आप पूरी बिल्डिंग ऊपर साइड थोड़ा दिखाइए। ये बहुत ही अच्छा जो है ये बना हुआ है, ये हम लोगों का काउंटर है, पॉजिटिविटी है यहाँ पर। मेरा तो जाने का मन नहीं कर रहा है, जाना है। मैं पूरा कैफे दिखा दूंगी आपका, मैम पीछे से बातें कर रही है। ये हमने लाइव काउंटर अभी स्टार्ट किया है, आज हमारा सेकंड डे था, कल वैलेंटाइन डे मनाएंगे, ये केक काट के हम सब लोग और ये हमारा इवेंट एरिया है, यहाँ पे हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमारे कुछ गेस्ट हैं कैफे के, ये हमारा मॉकटेल काउंटर, ये हमारा सीटिंग एरिया, आर्टिस्ट है। एसिड अटैक 2015 में हुआ था, और अटैक के पहले मैं एक आर्टिस्ट थी, मतलब फिल्म आर्टिस्ट, मूवीज में काम करती थी। मेरा भी एक सपना था
था कि मैं आगे बढ़ूं और एक अभिनेत्री के नाम से जानी जाऊं, और शायद किसी को नहीं देखा गया, किसी अनोन पर्सन ने मेरे पर एसिड अटैक कर दिया। उसके बाद काफ़ी ट्रॉमा मुझे झेलना पड़ा, क्योंकि जो मेरा ग्रोथ था वो टूट गया। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं अपनी फैमिली को लेकर आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत का पल तब आता है जब हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि जिस फैमिली के लिए हम आगे बढ़ते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, तो वही फैमिली जब हमारा सपोर्ट नहीं करती, हमको बीच मध्यान में छोड़ देती है बढ़ने के लिए, तो ये सिचुएशन आ जाता है कि हम आगे सर्वाइव कैसे करें। मैंने भी एक समय को सोचा था कि मैं मर जाऊँगी, आगे बढ़ूँगी नहीं, लेकिन मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा आज, उन्होंने मुझे फिर बोला कि नहीं तो फिर से आगे बढ़ोगी और कुछ ना कुछ जरूर करोगी। लेकिन मेरे अटैकर का आज तक पता नहीं चला कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन हाँ मेरे अंदर आज भी विश्वास है कि आज नहीं तो कल मैं अपने अटैकर को जरूर देखूंगी, और फिर मैं उससे जरूर पूछूंगी कि मतलब तुम्हारे अंदर ऐसा क्या था जो तुमने मेरे पर ऐसे अटैक किया। और उसके बाद जब मेरा 2016 में मेरी आंखों की रोशनी जब वापस आई, तो उसी समय मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मुझे कुछ ना कुछ करना है और आगे बढ़ना है, अपने पैरों पर फिर से खड़े होना है। तो मुझे छाँव के बारे में नहीं पता था, सिरोज के बारे में भी नहीं पता था, तो जब मैं क्योंकि उस समय ना मैं मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना बहुत मुश्किल था, लोगों ने तो सोचा था कि इसको किसी भी तरीके से मार देंगे, यहाँ तक कि मुझे टाइम पर एम्बुलेंस भी नहीं प्रोवाइड की गई थी। और जब मैं एक डॉक्टर हैं बनारस में थे, वो उन्होंने मुझे न्यूज़ पे देखा था कि इस लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने खुद अपने तरफ से एम्बुलेंस वहाँ भेजी। मेरा बलिया में केस हुआ था, मैं फिर वहाँ से रेफर होकर बनारस गई, तो वहाँ के डॉक्टर ने कहते हैं कि शायद मैंने कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जब मुझे वो डॉक्टर मिले, और उन्होंने एक बेटी के जैसा मेरे साथ ट्रीट किया, और आज मैं जो भी हूँ शायद उनकी मेहनत और मेरे पास थैंक यू। और बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब उन्होंने कहते ना जब हमें पिता का सपोर्ट नहीं था तो एक वो थे जो मुझे पिता बन के मेरे, आज भी मैं उनको मतलब मेरे पिता बाद में, लेकिन उनको पहले। एक अच्छी बात आपको बताता हूँ, सभी लड़कियों की लाइफ में एक आध आदमी इंसान है, लड़का लड़की कोई ना कोई, जो उनकी लाइफ में मतलब जिसने उनको टूटने से पहले बचाया, तो उनके भाई हैं रवि, दिन रात एक कर दिया, तब जाके रवि ने इनके लिए एक सिस्टम मतलब एक गवर्नमेंट ने 20 लाख का एक दिया था, उससे इनका इलाज हो रहा है शायद 20 लाख का था। और फिर थैंक यू, सब कहते हैं ना कि चेहरा खराब होता इंसानियत जो है ना। अंशु के मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, इनके पापा बहुत ही कोऑपरेटिव है, इनके पापा ने इनको टूटने से बचाया, मैं तो ऐसे कहूँगा, बहुत अच्छे इंसान, मतलब इनको इतनी फ्रीडम दिया उन्होंने जितना शायद हमारे पापा ने हमें नहीं दिया होगा, बहुत ही। तो ये सब लोग सबके साथ, इनके आपके भाई ने, एक भाई है ना उनमें से कोई, तीन भाइयों में से एक भाई शायद है, उन्होंने बहुत बचाया, उन्हें हिम्मत दी, तो ये भी है मतलब हर जगह कुछ अच्छे, जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर सुबोध ने मदद की, तो लोगों ने मदद नहीं करेंगे तो नहीं संभव है, यहाँ लोग सब लोग कहते हैं ना कि चेहरा खराब हो जाने के बाद कोई उन्हें अपनाता नहीं है, कोई उनके पास नहीं जाता, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए मतलब चेहरा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो हमारी सीरत होती है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेरी एसिड अटैक के बाद शादी हुई और मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, उनको मेरे हम लोगों के सबकी तरफ से बहुत बड़ा सैल्यूट, और मैं मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सब देन मेरी सारे स्टाफ की है और कहीं ना कहीं सर की भी है, शायद अगर मैं यहाँ नहीं आती तो शायद मेरी शादी नहीं होती, मैं आज चार दीवारी शादी हुई, और मैं आज इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं शायद कहीं ना कहीं मैं उस अटैकर को कहती हूँ कि उसने सोचा था कि ये चार दीवारी में कैद हो जाएगी, ये आगे नहीं बढ़ेगी, तो मैं उसको बार बार ये कहती हूँ कि भले उसने मुझे चार दीवारी में कैद किया, लेकिन आज भी मैं मीडिया के सामने हूँ, कैमरे के सामने हूँ, और आज भी मैं अपने आप, और मैं बताती हूँ कि रूपाली बहुत अच्छा भी डांस करती है। अब हम मौसमी जी से मिलेंगे, मौसमी जी बहुत थोड़ी सी चार पांच लाइनों में बताएं, क्योंकि बहुत सारी लंबी लाइन है, इसीलिए मैंने रूपाली को बीच में रोका, सो सॉरी, खराब है मुझे बंगाली हिंदी बहुत पसंद है, तो मैं वन सर्वाइवर हूँ, बट मैं इनका पेन फील कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोगों का स्टोरी अलग है, बट पेन फील मतलब सब एक है। तो
मैं 2-2.5 साल हो गया एक्सीडेंटली मैं बर्न हो गई थी, तो तब मैं मैरिड थी, उसके बाद मेरा शादी भी ब्रोक हो गया, मेरा एक बेटी है ना उनसे मैं मिली 2.5-3 साल हो गया, उनको पता भी नहीं है कि मैं जिंदा हूँ। तो उसके बाद सोसाइटी भी मतलब ऐसा मेंटली डिप्रेशन हो गई थी, तब मेरा मम्मी पापा दीदी था, मेरा पापा बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। तो उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे सीरोज में मैं कनेक्ट थी, तो मतलब मुझे डर लगता था कि तो मैं बर्न हूँ, मैं ऐसी रटक नहीं हूँ, तो मुझे मिलेगा क्या, मतलब मुझे इनके साथ रहना था क्योंकि मैं पूरा बंद हो गई थी पूरी 4 दीवारी में। तो मैंने आलोक सर से कनेक्ट की थी फेसबुक में SMS करके मैं SMS डिलीट कर देती थी, मतलब मैं उनके साथ में SMS नहीं कर पाती थी, तो एक दिन हिम्मत करके मैंने कर दिया, सर का तुरंत रिप्लाई आ गया, तो मेरी जिंदगी उस दिन से स्टार्ट हो गया कि बदलाव आ गई। तो उसके बाद मैं कुछ दिन 1 महीने के बाद ही मुझे नोएडा बुलाया गया था, फिर तुरंत मेरा पहले तो मुझे मतलब मेरा जो नेक है पूरा एडजस्ट था और आंखों से अभी भी पानी आती है, तो मेरा 1-3-4 सर्जरी हुआ चेन्नई में। जैसे सर बोला कि वेस्ट बंगाल बिहार में कुछ प्रॉब्लम है सर्जरी नहीं होता है, तो मेरा भी सेम था। तो सर्जरी के बाद अभी जो मैं ऐसी बात करूँ कॉन्फिडेंटली, तो छाऊ से ना मैं जुड़ी होती, सीरोज की लड़कियों को ना देखी होती, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं आता। मैं अब हिंदी भी बोल पाती हैं ये, नहीं बोल पाती बिल्कुल नहीं, तो आज मैं बोल पा रही हूँ। सब सर के और पूरी सीरोज टीम छाऊ फाउंडेशन से मतलब बहुत ज़्यादा मैं मतलब कितना थैंक यू बोलूँ मेरे से मतलब कम हो जाएगा। ये आँख में पानी आ रहा है ना, ये मेरा आँख में नहीं है, ये मेरा आँख के पानी लगातार आ रहा है और ये आँखें वीक होती जाएंगी साल दर साल ऐसे होता है। और नगमा है, आप नगमा से मिलिए, नगमा बताइए अपने बारे में कुछ। मैं बलरामपुर यूपी से हूँ और मेरे साथ अटैक 2014 में हुआ था जब मैं 15 साल की थी। मेरे कज़िन ब्रदर ने किया था, बड़े पापा के लड़के ने, वो लाइक करता था और शादी करने के लिए तो मैंने मना कर दिया, अपने आप ही जा रहा था। तो बोलो, जब एसिड पड़ा उसके बाद से मतलब यही था कि मतलब इससे अच्छा मर जाना बेहतर है, मतलब तब तो वो सीओ से बारे में भी नहीं पता था और मतलब किसी से मैं मिली भी नहीं थी उस टाइम पे, तो मुझे लगता था कि मतलब दुनिया में मैं एक अकेली ही ऐसी लड़की हूँ जो सरवाइव कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे ही लगता था कि मर जाना ही बेहतर है। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवा रही थी और मेरे भाई मेरे साथ में थे, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, मेरे फैमिली वालों ने बहुत साथ दिया है। अभी सब जैसे बता रहे थे कि किसी किसी के फैमिली वाले मतलब बोलते हैं घर पे बैठो, किसी फंक्शन में नहीं जाना है या कुछ भी, मतलब मैं तो एक रूम में रहती थी, फिर भी मेरे भाई लोग मतलब मुझसे बोलते थे कि चलो मतलब साथ में, मतलब अभी कभी एहसास नहीं दिलवाया कि मतलब मैं जली हुई हूँ या मेरा फेस ख़राब है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे भाइयों ने, फिर भी मैं मतलब बाहर नहीं निकलती थी, काफ़ी लोग मुझे देखने इसलिए आते थे कि वहाँ पे कि एसिड से जली हुई है या मूर्ति कैसी है, मतलब इसलिए नहीं आते थे कि वो जली हुई है क्या प्रॉब्लम है, वो इसलिए आते थे कि एसिड से जली हुई लड़कियाँ दिखती कैसी हैं, वो इसलिए आते थे देखने। तो बहुत बुरा लगता था कि मुझे नहीं मिलना है किसी से, और मैं जब भी कभी भी बाहर निकलती थी तो फेस कवर करके ही निकलती थी। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो फेस कवर करके ही आई थी, लेकिन अभी ऐसा है मेरे लिए मुझे पसंद नहीं अभी मुझे चाहूँ, मेरे लिए ऐसा है कि मतलब मैं तो फिर ऐसे निकलती हूँ और मुझे मतलब ऐसा भी फील भी नहीं करती जरा सा कि मैं चली गई हूँ। फेस कवर नहीं करती है, बस मास्क लगाना पड़ता है मजबूरी, कोविड चल रहा है ना लगाएंगे ये हमारी अंशु। हेलो, मेरा नाम अंशु है और सर ने तो बहुत बताई दिया मैं ऐसे बताना चाहूँगी कि अब इस स्टोरी में मतलब हंस के ही निकल मेरे ऊपर जो इंसिडेंस हुआ था वो 2014 में हुआ था और कल मेरे अटैक को
आठ साल हो गए। कल थोड़ा सैड भी थे लेकिन रोया भी। मैंने देखा कि इन आठ सालों में मतलब कुछ गवाया है तो कुछ पाया भी है, तो मतलब दुखों के और दुख होने से सैड होने से क्या ही मिलेगा। और मेरे ऊपर एक मेरे से चौगनी उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति ने ऐसे अटैक किया था, और उस टाइम पे मतलब मेरी एज जब लड़कियां सपने देखना स्टार्ट करती हैं उसी एज में मेरे ऊपर ये अटैक हुआ था। उस टाइम पे मेरी एज जो 15 साल की थी और हम स्कूल जाते थे, तब मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो मुझे परेशान करता था और मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला कि तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो उस दिन मुझे बहुत बड़ा मतलब ऐसे धक्का सा लगा कि मतलब इतने बुज़ुर्ग व्यक्ति जिनको हम दादाजी बुलाते हैं वो मेरे प्रति ऐसा कैसे सोच सकते हैं। घर में इतना फ्रीडम नहीं था और मतलब मम्मी पापा के सामने मतलब अपनी बात रखने की भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि मेरे गांव में ऐसा होता है कि लड़कियों को सपने देखने की इजाज़त तो होती है लेकिन उनको पूरा करने की इजाज़त नहीं होती है। तो जब लड़की 18 साल की होती है तो उसकी शादी कर दी जाती है, और मुझे कहीं ना कहीं डर था अगर मैंने घर में बताया तो कहीं मेरी कम एज में शादी ना कर दी जाए, कहीं मुझे घर में ना कैद कर लिया जाए। हम पढ़ के ना कुछ करना चाहते थे तो मुझे ऐसा लगता था कहीं मेरी पढ़ाई ना रोक दी जाए। तो जब उनके मतलब हरकतें बढ़ती गई तो मैंने मतलब मम्मी को बताया, पहले मम्मी ने नोटिस किया हम घर में रहते थे, तो जो मम्मी मतलब स्कूल से मेरी शिकायतें आने लगी थी क्योंकि हम ना कभी छुट्टी नहीं करते थे घर से, और जो मेरी मतलब स्कूल से शिकायत आई कि मतलब आपकी बेटी पढ़ने नहीं आती है और अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है। तो मम्मी पापा ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं जाते हो, तो मैंने मतलब कोई ना कोई बहाना कर लेते थे हम। और फिर उसके बाद मतलब मम्मी ने बोला कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए हम हर सिचुएशन में आपका साथ देंगे, वो मुझे कॉन्फिडेंट फील कराया। तो जब मुझे लगा कि हाँ मतलब मुझे बता देना चाहिए, अगर मैंने नहीं बताया तो हो सकता है इससे बड़ी घटना कुछ हो सकती है मेरे साथ, तो मैंने जब मम्मी को बताया तो जैसे हर पेरेंट्स का रिएक्शन होता है ऐसे मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन था। तो मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में किया कि कोई मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सका है। तो मेरे भाई ने उनको समझाया कि आप उनके वाइफ बच्चों को उनके घर पे जाके समझाइए, अगर आप लड़ाई झगड़े में बात करेंगे तो बात बिगड़ सकती है, अगर आप प्यार से बात करोगे तो मतलब हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी बात समझेंगे। तो जब मेरे पेरेंट्स उनके घर पे बात करने गए तो जो उनके घर वाले थे और उन्होंने उनकी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में होता ना कि अपनी गलती हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे घर वालों के साथ झगड़ा किया। फिर गांव वालों को भी पता चला तो गांव वालों ने भी बोला कि मतलब आप सुधर जाइए नहीं तो आपके खिलाफ मतलब कंप्लेन कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद उनके ईगो को हर्ट हो गया कि इसने मेरे गांव में बदनामी कैसे करा दी। फिर हम घर में सो रहे थे, सोचे हम उस पर तेजाब डाल दिया। तेजाब डालने के बाद पूरी दुनिया बदल सी गई थी, और मतलब जो मोहल्ले वाले ने मुझे बचपन से गोद में खिलाया था उन्हीं मोहल्ले वालों ने मुझे देखा तक नहीं था। और मतलब उम्मीद करके जाते थे मुझे, मेरे जो रिश्तेदार थे और जो मेरे मतलब नानी मामा तक थे उन्होंने साथ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि आज भी हम नानी मामा के घर नहीं जाते हैं। मेरी नानी आज तक मुझे बुलाती है, हम नहीं जाते हैं कि जिस टाइम पे मुझे उनकी ज़रूरत थी उन्होंने मुझे नहीं देखने आए। उन्होंने बोला कि मतलब इतनी बड़ी घटना हुई कोई जहर का चुट से लगाओ और मार डालो क्योंकि आपके सर पे बोझ हो गई है। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे उन्होंने सबने साथ छोड़ दिया क्योंकि मतलब मेरा चेहरा नहीं था इस वजह से, लेकिन आज देखिए आज मेरे इतने सारे बेस्ट फ्रेंड हैं, मतलब इतने सारे आलम भाई की वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि आज समाज में मेरी एक पहचान है। जो मोहल्ले वाले मुझे नहीं अपना रहे थे आज मतलब वही लोग मेरे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं और हो सकता है कहीं ना कहीं मैं आपका लाइव भी देख रही हूँ। ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि पता नहीं अटैकर ने क्या सोच के मेरे ऊपर अटैक किया कि शायद हम मर जाएंगे, मोहल्ले वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आज तो मुझे इतनी सोसाइटी सपोर्ट कर रही है। एक टाइम पे ऐसा था कि मम्मी पापा ने पता नहीं मेरा इलाज कहाँ से कराया, लेकिन आज छाव द्वारा मेरी सर्जरीज हो रही हैं और मैं एक आंख से देख भी पा रही हूँ। और उसके बाद एक टाइम ऐसा था कि कोई मतलब मदद के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज छाव द्वारा मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम गांव-गांव जाके छाव शूट करते हैं और छाव उसके द्वारा हम मेडिकल प्रोवाइड कराते हैं, जो सर्वाइवर को सबसे ज़रूरी होता है कि इलाज उसको बेस्ट इलाज हो, क्योंकि जो गाँव में होते हैं ना वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते। और ये मैंने बेहतर अनुभव किया है कि मुझे इन्फेक्शन भी हो गया था क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं उनमें साफ सफाई नहीं होती है, उनमें ऐसी की सुविधाएँ नहीं होती हैं और डॉक्टर भी देखने नहीं आए थे, सही से ट्रीट नहीं करते हैं पेशेंट को। तो लेकिन अब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है
लेकिन आज छाव द्वारा मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, मैंने 12th पास किया उसी स्कूल में जहाँ से मेरा नाम काटा गया था। और अभी हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, वहाँ पे मतलब जो मेरे अंदर स्किल्स है या जो हम करना चाहते हैं मुझे प्रोवाइड कराई जाती है। और आज मेरे मम्मी पापा इतने खुश रहते हैं, और जो फ्रीडम मुझे 15 साल की उम्र में नहीं मिला वो मुझे इन सालों में मिला। और मेरे भाइयों को भी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जो मुझे मिलती है, और मेरे भाइयों को भी बाइक गिफ्ट नहीं किया, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे बाइक गिफ्ट कर दिया। और आलोक भाई को थैंक यू बोलना चाहेंगे, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की मैम शायद हम आप तक भी नहीं पहुँच पाते, लेकिन आज हम आपसे भी मिल रहे हैं, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम सब चीज़ें देखते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू आलोक भाई। मेरा बचपन नहीं 12 दिन की थी तभी जल गए थे। ये इन्होंने अभी अभी हम लोगों को ज्वाइन किया है, और ये बंद सर्वाइवर हैं, और जब ये बहुत छोटी थी तो इनके साथ ये इंसिडेंट हो गया था। यहीं पे लखनऊ में नाना के पास रहती थी, नाना मेरे सीईओ से रिटायर है, उनके पास गोमती नगर में रह रहती। मम्मी 12 दिन की थी, ठंडी का मौसम था, उसे वो आग नीचे रखा जाता है, फोल्डिंग की चारपाई थी उसी पे सुलाई थी, नीचे थोड़ा दौब के लिए रख दी कि थोड़ा बच्चे को गर्म रहेगा, तो वो उसमें ना कपड़ा गिरा कि क्या गिरा पता नहीं चला, उसकी वजह से वो कपड़ा जल गया, जलने की वजह से प्लास्टिक पकड़ ली, प्लास्टिक पकड़ने की वजह से मैं उसमें गिर गई, तो ये ऐसे गिरी तो ये इधर हाथ और फेस हो गया। तो काफ़ी मेरे मतलब नाना ने और मेरी फैमिली माँ पापा सभी लोग हमारा हेल्प किए हैं, अभी भी करते भी हैं, यहाँ तक मेडिकल कॉलेज में दिखाए गए, फिर कई जगह में डॉक्टर के दिखाए गए हैं। राजीव अग्रवाल डॉक्टर थे, वो हमने हमारा ट्रीटमेंट किए थे और बोले कि अभी तो कर दे रहे हैं लेकिन अभी सर्जरी नहीं कर सकते, इसलिए कि 14 साल की होगी उसके बाद ही होगा। तो हमने उनसे खर्चा वर्चा पूछा था तो वो बोले कि कम से कम 15 लाख लग जाएगा। ऐसे में तो मेरी फैमिली मानते नाना के, नाना तो दूसरे हो गए रिलेशनशिप, वो मेरी कहे कि हेल्प करेंगे, बट मेरी फैमिली बोली ठीक है अभी लाइफ इंजॉय कर लो, थोड़ा बढ़ जा, पढ़ाई लिखाई कर लो, अपनी लाइफ में अगर सेटल हो जाती हो तो अपने खुद कर लेना, और नहीं तो हम हैं आपके साथ। तो मैं कई जगह लाइफ इंजॉय मतलब पढ़ाई कर रही हूँ, एजुकेशन कर रही हूँ, मेरी फैमिली मेरे को हेल्प कर रही है, हर समय मेरी माँ मेरे को ज़्यादा हेल्प करती है, सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली में मेरी माँ हेल्प करती है, और उतना नहीं घर पर है कोई नहीं कुछ हेल्प भी नहीं है। अब माने तो नॉर्मल पूरा मीडियम नॉर्मल ही हो गए, हम हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं, हम है परेशान मत होइए, सब कुछ होगा और अच्छा होगा ट्रीटमेंट और सब कुछ। कितने दिनों से कुंती है यहीं पे, हम लोग मेडिकल से दोस्ती हुई थी, मैं उनसे कोशिश कर रही थी, फिर जया है उनसे मैं कही कि मेरे को कहाँ कहाँ, मैं हिमाचल तक गई जॉब के लिए, लेकिन एजुकेशन है पर नौकरी नहीं मिल रही सिर्फ चेहरे की वजह से। मैंने कितने कहा इन लोगों से, कहा जया से बोली, जया ने मेरे को कहा कि ठीक है मैं सर से बात कर रही हूँ, सर से आलोक सर से बात की है, उन्होंने मेरे को बात कराई, फिर यहाँ पे मेरे को बुलाया गया है, मैं अभी आई हूँ 2 दिन से इसीलिए। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, आप आपने इतने लोगों की बात सुनी तो आप आपको लगता ही होगा कि सर ने मतलब लोग कहते हैं ना कि छोटा सा काम है, लेकिन सर इन 20-25 लड़कियों के लिए बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, क्योंकि हम सब लड़कियों को मतलब चेहरा देख के कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सर ने अपनी जॉब छोड़ के हम लोग के साथ आगे बढ़े हैं, तो सबसे बड़ा हाथ इनको, और इनको चाहे हम जितना बोले शुक्रिया अदा करें तो भी कम होता है, हम लोग सोचते क्या करें सर के लिए ऐसा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ सर को, सर थैंक यू सो मच कि आपने इतनी बड़ी हम लोग के लिए किया, और हर बार आप करते चले आ रहे हो, हर बार हम लोग के लिए आगे बढ़ते चले आ रहे हो, और 20-25 लड़कियां नहीं, हम बहुत सारी लड़कियां हैं, मतलब 30 सर्वाइवर हम जॉब पे अभी ऑलरेडी हैं आगरा लखनऊ या नोएडा में, और हाँ मैं ही बोल रही थी, और हमने रीच आउट किया है, हम अराउंड 150 या 200 सर्वाइवर्स के लिए अभी काम कर रहे हैं,
प्लान है कि हम लोग और कैफे या कुछ कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये समस्या खत्म हो जाए, सभी लोगों को एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं उनको इलाज मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम बना रहे हैं। काफी सोसाइटी के लोगों को जोड़ भी लिया है, तो ये दो अनाउंसमेंट हम लोग इस साल से करना चाह रहे थे कि कोई भी सर्वाइवर परेशान ना हो, ट्रीटमेंट कराए। और ये आपके लाइफ से मैं बोल सकता हूँ कि अभी किसी को ट्रीटमेंट कराना है तो छाव कोशिश कर रहा है, मतलब हर एक इंसान का ट्रीटमेंट हो जाएगा, बस आप जुड़ जाइए। थोड़ा सा वक्त लग जाएगा लेकिन आपके ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और आपको ट्रीटमेंट के लिए नहीं परेशान होना है बल्कि आपको अपनी लाइफ के लिए परेशान नहीं होना है। ट्रीटमेंट हो गया, इलाज हो गया, मतलब आपका ये केस हो गया या आपको नौकरी हो गई, ये चीज़ें आप हम पे दे सकते हैं और अपने मन को थोड़ा खाली कर सकते हैं। जैसे पारी ने बोला, ये बात भी बिल्कुल सही है कि मतलब हम लोग तो सेल्फ डिपेंड हुए हैं, इतना आगे बढ़े हैं, बहुत कुछ सीखा है शुरूज में आके, छाव ने बहुत कुछ सिखाया है, प्लस हमारे साथ साथ जो हमारे बैक है, मतलब हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी और फैमिली है, उन्हें जो सर्वाइवर सपोर्ट